नीचे वाला घर इतने दिनों से खाली है, किसी को रेंट पे ही दे दो। तो उसे खाली रहने दो ना, क्या जरूरत है। अरे भाभी सही तो कह रही हैं। अब तू भी भाभी की साइड देगी। इसमें साइड की क्या बात है, नीचे वाला जब घर खाली है तो कोई लोग आएंगे तो अब दो पैसे ही आएंगे हाथ में। ठीक है बाबा, मैं आज ही एडवर्टीजमेंट डाल देता हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं उसे रख दूंगा। ठीक है। ठीक है। अरे अभिषेक तुम? हाय रचना, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। चलो चलो चलो। हाय। हाय। और बताओ, बहुत दिनों बाद कैसे याद आ गई? अरे वो एक्चुअली मैं ना रेंट पे रहने के लिए घर ढूंढ रहा था और मुझे घर मिला भी, लेकिन वो बैचलर्स को घर देने के लिए मना कर रहे हैं। तो क्या तुम मेरी बीवी बनके मेरे साथ रहोगी? मैं? हाँ तुम। मैं रह तो लूँगी, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ मेरी बहन है तो वो कहाँ जाएगी? तो वो मेरी साली साथ ही रहेगी और कहाँ जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है फिर, एक्चुअली अभी तो मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे रेंट का अरेंजमेंट करना है। कल हम टाइम पर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। आपने कुछ पोस्ट किया था? हाँ मैंने किया तो था। रेंट पर घर अवेलेबल है क्या? हाँ जी, आप अंदर आइए। वो एक्चुअली हम बैचलर्स को तो नहीं देते हैं। वो मेरी शादी हो चुकी है। हाँ तो फिर ठीक है, आप आ सकते हैं। मैं कब से आ सकता हूँ? आप कल से आ सकते हैं। ठीक है फिर, मैं कल से आ। जी जी, थैंक यू। ओके चलो, फाइनली तुम लोग की मुराद पूरी हुई। हेलो सर। हेलो, आ गए जी। आइए। नमस्ते। आइए मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी। नया नया लेकर आए हैं और ये भी। आइए ना। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आप करिए, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक है। अंदर रख दो आप। अभिषेक, अभी ना कल मम्मी के घर जाना है। क्यों? वो मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा हाँ हाँ, चलेंगे। ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ। माया, सो देखिए मर्डर का मोटो तो चोरी लग रहा है। अच्छा ये बताइए, इस घर में आपके अलावा और कौन कौन रहते हैं? सर हम लोग के अलावा किराएदार भी रहते हैं, वो किराएदार बाजू वाले कमरे में। कहाँ पे रहते हैं? उधर। ठीक है। चल चल, जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन। तुमने राहुल की बीवी और उसकी बहन को क्यों मारा? सर मैंने उन्हें नहीं मारा। तो किसने मारा?
सर मुझे क्या पता किसने मारा, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए मैंने नहीं मारा उन्हें। तुम्हारी बीबी तो मायके गई है और उस घर में तुम्हारे वाला और कोई रहता नहीं है, तो और कौन मार सकता है? सर वो मेरी बीवी ही नहीं है, दरअसल बात ऐसी थी कि मुझे रेंट पे रहने के लिए घर चाहिए था और वो बैचलर्स को घर दे नहीं रहते, तो उसको मैं अपनी बीवी बना कर ले आया था। कहाँ मिलेगी वो? सर वो अपने घर पर। ठीक है तुम बैठो। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किसके साथ? सुहानी और माया के कत्ल के जुर्म में। चलिए चलिए चलिए, जो कुछ पूछना है पुलिस स्टेशन में पूछेगा। चलिए सुहानी और माया को क्यों मारा? सर लालच में आ गए थे। सर मैं बताती हूँ पूरी बात। दीदी अगर ये सब ज्वेलरी हमें मिल जाए तो? तो भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ तो चिंता मत कर, कल सुबह होते ही एक अच्छा सा मौका देखकर हम ये सारी ज्वेलरी चुरा लेंगे। ठीक है। पता नहीं ये माया ने सब कैसे उल्टा फुल्टा रख लिया। माया भी ना कुछ समझती नहीं है चीजों को। आ क्या कर रही है आप? छोड़ो छोड़ो। भाभी ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? भाभी भाभी क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 छोड़ो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। गलती हो गई? चंद रुपयों के चक्कर में तुम दोनों बहनों ने बहुत ही संगीन अपराध किया है, तुम्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। चलो चलो।